सो हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अनुज में। दोस्तों अगर आप एक पीसी या लैपटॉप के यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों अगर आपका पीसी या लैपटॉप स्लो काम कर रहा है या फिर हैंग होता है तो आज की इस वीडियो में आप सभी को 5 ऐसे ट्रिक या फिर विंडोज सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसे करके आप अपने पीसी या लैपटॉप के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो आ गया हूं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। आज की इस वीडियो में आप सभी को 5 सेटिंग करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम पहले सेटिंग की बात करते हैं। जो हमारा पहला सेटिंग है डिसेबल अनएडवांटेज स्टार्टअप प्रोग्राम। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कीबोर्ड प्रेस करना है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिया गया है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट होते मान ऑटोमेटिक रन होने लगता है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो कि हमारे में अभी कोई प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक यहाँ पर कैमटासियर का रिकॉर्डिंग जिससे मैं अपना लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही एक्टिवेट है। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम रन हो तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इन टास्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इसे हम कट करते हैं। कट करने के बाद हमारा दूसरे नंबर का जो सेटिंग है उसका नाम है सिस्टम परफॉर्मेंस। इसके लिए आपको अपने कंट्रोल पैनल में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सिस्टम का ऑप्शन दिया गया है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट है जो कि है लेट विंडो चूज व्हाट आर बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। तो आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जो कि है एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, उसके बाद सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद इसे कट करेंगे। कट करने के बाद चलिए हम चलते हैं तीसरे सेटिंग्स पे, जो कि आपको यहाँ पे आपको सर्च बार में आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है डी फ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सी ड्राइव हमारा दिया गया है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टिमाइज का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीट हो चुका है, इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद चलिए हम चलते हैं अपने चौथे सेटिंग्स पे, जो कि हमारा है टेम्परेरी फाइल्स का। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में टाइप करना होगा विंडोज प्लस आर, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है परसेंटेज टेम्प TEMP, उसके बाद फिर परसेंटेज एंड ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी टेम्परेरी फाइल यहाँ पे शो हो रही है, इसके लिए आपको सभी को सेलेक्ट कर लेना है। आल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सभी सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन दिया गया, इसे आपको डिलीट कर लेना है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फाइलें डिलीट नहीं होते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम इसे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद स्कीप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी फाइलें डिलीट हो चुकी है, उसके बाद इसे कट करेंगे। उसके बाद आपको फिर से विंडोज प्लस आर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है टेम्प TEMP, उसके बाद इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ टेम्परेरी फाइलें हैं तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए टाइप करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सभी सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, तो हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सभी टेम्परेरी फाइलें डिलीट हो चुकी है, उसके बाद इसे कट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पांचवें स्टेप पर। जो हमारा पांचवा स्टेप है डिस्क क्लीनअप का है, उसके लिए आपको अपने डिस्क पीसी में जाना है। डिस्क पीसी में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सी ड्राइव दिया गया है लोकल डिस्क सी, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिया गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दिया गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट दो फाइलें सेलेक्ट है, उसके बाद इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्लीन अप फाइल सिस्टम का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर दो ऑप्शन सेलेक्ट है, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, उसके बाद डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लीन अप ड्राइव सी, तो यहाँ पे हमारा डिलीट हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट हो चुका है, उसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड कट करेंगे। ये सभी सेटिंग करने के बाद आपको अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पीसी या लैपटॉप का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।